रेडमी का जो नंबर सीरीज होता है वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। जैसे रेडमी 9 सीरीज का रेडमी 9 एंड 9 पावर लॉन्च हुआ था, अभी रेडमी 9 सीरीज का सक्सेसर लॉन्च होगा रेडमी 10। ये स्मार्टफोन BIS में लिस्ट हो गया है और बहुत दिन पहले Geekbench में भी लिस्ट हुआ है। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 10,000 से 11,000 के अंदर में होगा और जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा कम बजट में सबसे बेस्ट कैमरा फोन होगा, क्योंकि इस फोन में बैक साइड में 50MP का क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाएगा। मतलब इस प्राइस के अंदर में इतना बढ़िया कैमरा देखने को नहीं मिलता है और 90Hz का रिफ्रेशिंग वाला डिस्प्ले मिलेगा और एक न्यू चिपसेट देखने को मिलेगा। तो ये सभी फीचर्स 10,000 से 11,000 के अंदर के स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार सोच के देखिए स्मार्टफोन कितना बेहतर होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे रेडमी 10 में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका कन्फर्म फीचर्स आ गया है। सभी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और कितने प्राइस में देखने को मिल सकता है, सभी चीज़ के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में रेडमी 10 के बारे में मेरा ओपिनियन आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस मेरा नाम है स्वरूप और आप देख रहे हैं टेक सूत्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे इस फोन का डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं एक कन्फर्म डिज़ाइन है। फोन की बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन एक्चुअल में प्राइस के हिसाब से आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा, क्योंकि 10,000 के अंदर के स्मार्टफोन में इतना बढ़िया डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। और इस फोन का डिस्प्ले ये भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। यहाँ पर 6.5 इंच का एक IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा और जहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेशिंग रेट मिल जाएगा और सेंट्रल पंचोल कैमरा मिल जाएगा और डिस्प्ले में गोलगस 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। इस फोन के प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। इस फोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर से इसका कैमरा। इस फोन की बैक साइड में 50MP का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, 50MP का मेन कैमरा जहां पर सैमसंग का GW1 सेंसर मिल जाएगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का दो चिप को मिल जाएगा डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो, एंड 8MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो इसका सेल्फी कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेड है। अगर 13 या 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता तो मज़ा आ जाता। और रेडमी के कैमरे में जो जो फीचर्स मिलता है वो सभी फीचर्स मिल जाएगा, जैसे स्लो मोशन, टाइम लैप्स, वो सभी फीचर्स मिलेगा और कैमरा क्वालिटी भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा इसके प्राइस के हिसाब से। गाइस वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सी यूजफुल हो रहा है तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पर MediaTek का एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाएगा, MediaTek Helio G88। ये चिपसेट Helio G85 से थोड़ा सा अपडेट है। मतलब G85 और G88 दोनों में आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 19-20 का डिफरेंस मिल जाएगा। G88 का परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाएगा, आप हाई क्वालिटी गेम खेल सकते हैं, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा और जहां पर MIUI 12 देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है, 4GB 64GB 4GB 120GB and 6GB 120GB, और यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाएगा। इस फोन का और भी एक खास बात है, यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा, 3.5 इंच जैक मिलेगा, IR ब्लास्टर भी मिलेगा, यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा एंड फेस अनलॉक भी फीचर्स मिलेगा। और यहाँ पर 5000mAh का बैटरी मिलेगा और जहाँ पर 80W का फास्ट चार्जिंग फोन सपोर्ट करेगा और बॉक्स में आपको 22.5W का फास्ट चार्जर मिलेगा। अभी बात करते हैं इसका प्राइस, ये स्मार्टफोन इंडिया में कितने प्राइस में लॉन्च होगा। इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB, इसका प्राइस 10,000 to 11,000 के अंदर में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। प्राइस के बारे में बात हो गया, अभी बात करते हैं लॉन्च डेट। तो ये स्मार्टफोन ग्लोबली पहले लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में देखने को मिलेगा। एक या दो दिन के अंदर ग्लोबली मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है, तो ये स्मार्टफोन अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। ये फोन जिस प्राइस में लॉन्च होगा उस प्राइस में एक अच्छा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी न्यू फीचर्स मिल जाएगा, जैसे 50MP का क्वाड कैमरा का सेटअप
और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट वाला डिस्प्ले और एक न्यू चिपसेट देखने को मिलेगा। 10 to 11,000 के अंदर में बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होगा। आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हैं, आप सेटिस्फाई होंगे। तो अभी देखना है ये फ़ोन कितने प्राइस में लॉन्च होता है, क्योंकि प्राइस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी इसका प्राइस के बारे में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। गाइस, ये था Redmi 10 के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन। और इस टाइप का वीडियो पाने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल क्लिक करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और Redmi 10 के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।